हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया। आज देखिए व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग गए थे बाहर डिनर करने। डिनर तो क्या, आज बस डोसा खाने का मन कर रहा था तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे बटर डोसा खाने। और हस्बैंड और मैं ही आए हैं सिर्फ, क्योंकि शिवाय और इसके दादू गए हैं बुआ के घर। तो हम लोग घर में अकेले थे तो सोचा चलो बाहर ही खा कर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने डोसा ऑर्डर कर दिया था दोनों के लिए। बनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि इसको बिल्कुल भी या तो कुछ खाना नहीं होता है ना, तो बस इसका सोने का भी टाइम हो रहा था, इस वजह से इसने इतना परेशान किया यहाँ पे। और फिर हम लोग घर आ गए थे। नेक्स्ट डे यहाँ पे मेरा आ गया था पार्सल जो मैंने मंगाया है मीशो से, बहुत ही यूज़फुल है मेरी किचन के लिए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं मैंने क्या मंगाया है मीशो से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेरा तो काफ़ी काम की चीज़ है। और आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने मंगाया है यहाँ पे जो बर्तनों की बास्केट होती है बड़ी वाली स्टील की, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरी किचन में लगी हुई है प्लास्टिक वाली बास्केट। धीरे धीरे करके ना क्या है, हार्ड वाटर स्टेन उस पर आते जा रहे हैं और उसको कितना भी क्लीन कर लूँ वो क्लीन नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अब स्टील की बास्केट लेना ही बेस्ट है, और मीशो पे इतना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है दिवाली का, तो फिर क्यों ना यहाँ से शॉपिंग की जाए। तो देखिए काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। और यहाँ पर इसके नीचे एक ट्रे दी हुई है जिसके मतलब आपको कपड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं पहले कपड़ा लगा के रखती थी बास्केट के पास, तो बस उसमें से पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर पूरा ड्रेन हो जाएगा। ये देखिए मैं डाल के भी दिखाती हूँ आपको इसमें पानी, और जैसे ही मैंने बर्तनों में ऊपर से पानी डाला है ना, सारा पानी यहाँ से आउट ऑफ ड्रेन हो चुका है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मेरी किचन के लिए, आप भी मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया था, बस यही है घर के कामों में लगे रहो, और आजकल तो बस यही है क्लीनिंग में लगे पड़े हैं। हाँ आ रही हूँ। तो इसके पापा बस बुला रहे हैं नीचे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट और करवा चौथ की भी करनी है शॉपिंग। और बस आगे आगे जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं, सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोगों का दीपावली होता है, यानी कि दिवाली के लिए घर की सफाई, नया नया ऑर्गेनाइज़र क्या कर रहे हैं क्या नहीं, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे आगे। हाँ तो आज बस दिन में ये है कि दिन में मंगवाया किचन के लिए स्टील वाला रैक, मीशो से ऑर्डर कर रखे थे, 6-7 दिन तो लग ही जाते हैं देखिए, बट 3 चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, 2 चीज़ें और क्या आने वाली हैं वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और इसे भी आना वीडियो में, इसे लगा बुआ की वीडियो कॉल आ रखी है ये देखो, इसलिए ये फटाफट आया गोद में। तो अभी बस जा रही हूँ मार्केट, मार्केट से क्या शॉपिंग करते हैं क्या नहीं आपको भी दिखाते हैं हमारे मार्केट की रौनक। तो चलो चलते हैं, अभी ये बुला रहे हैं नीचे और मैं जाती हूँ क्या दिलाने वाले हैं करवा चौथ के लिए, देखते हैं जरा, थोड़ी जेब ढीली कराएं इनकी। अपने आप से कुछ नहीं बोलते हैं, अगर ज़बरदस्ती जाओ ना लेने के लिए तभी बोलते हैं, वरना तो बस चुप चुप रहते हैं कि हाँ कुछ बोलना दे लाने के लिए। तो चलो बस करवा चौथ भी आने वाला है और आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखती हूँ मेहंदी एक हाथ पे लगवाती हूँ या नहीं, क्या करती हूँ इसके साथ, क्योंकि शिवाय और उसके दादू गए हैं बुआ के घर। शिवाय और इसके दादू गए हुए हैं बुआ के घर, तो हम लोग अभी अकेले हैं घर में और बस नहीं बोलूँ। और ये देखिए नेक्स्ट डे मैं इवनिंग में आ गई थी इनके साथ मार्केट, तो यहाँ पे बस हम मार्केट आ गए हैं और ये करवाने लाए थे मुझे शॉपिंग करवा चौथ की। तो मैंने इनको बोला था कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मैं वैसे मोस्ट ऑफली यही होता है कि कपड़े ही लेती हूँ और मुझे कुछ इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए होता है। तो बस ये देखिए हमारी विजय चौक मार्केट काफ़ी अच्छे से फेस्टिवल के लिए रेडी हो चुकी है, और ये देखिए कितनी बढ़िया रौनक लगी हुई है। सच में इतनी भीड़ थी ना, बहुत सारे लोग आ रखे हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारी मार्केट में क्या है, न्यू ट्रेंड और फैशन आता रहता है इस वजह से, और जिन भैया से मैं हमेशा से सूट लेती हूँ उन्हीं के पास आती हूँ, बस घूम फिर के कहीं नहीं जाती हूँ, सीधा एक ही शॉप है मेरी। यहाँ पे आते ही मुझे कोई ना कोई सूट ज़रूर पसंद आ जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने दिलाए थे मुझे 3 सूट, और 3 सूट मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ। कौन कौन से मैंने चूज़ करे हैं इनमें से वो आपको आगे फेस्टिवल्स में मैं दिखाती रहूँगी। तो एक तो लिया है मैंने अपने करवा चौथ के लिए जो मैं दिन में पहन लूँगी, और रात को तो कुछ मैं हैवी वेयर करती हूँ इस वजह से। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने करी सूट की शॉपिंग, उसके बाद हस्बैंड को लेने थे अपने लिए फुटवेयर्स यानी कि स्लीपर्स वगैरह लेने थे, उसके बाद आ गए हैं हम यहाँ पे। जैन चप्पल स्टोर है वो भी हमारे विजय चौक मार्केट में ही है, काफ़ी फेमस है, शादरा की ब्रांच है, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे ये देख रहे थे पापा जी के लिए और अपने लिए, ये देखिए सैंडल्स टाइप जो स्लीपर्स होते हैं ना यही पहनते हैं ये, तो इन्होंने यहाँ पर अपने लिए फुटवेयर्स लेने थे ये देख रहे थे। और मैं और बनी अपना आराम से यहाँ की कलेक्शन देख रहे थे, क्योंकि अभी क्या है फ्री टाइम है हम लोगों के पास, कोई काम नहीं है घर में, कुछ नहीं है क्योंकि शिवाय और दादू गए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं घर में। शिवाय की भी छुट्टियाँ हैं और उसको थोड़ा सा कोल्ड एंड फीवर भी हो रहा था,
इस वजह से मैंने स्कूल भी नहीं भेजा था उसको। और करवा चौथ आने ही वाला है फ्रेंड्स, कल है करवा चौथ, तो इस वजह से मैं एक दिन पहले आ गई थी मार्केट। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ कुछ लेडीज़ कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा आ रखा है और काफ़ी रीज़नेबल भी था, तो मुझे अच्छा लगा। बट मैं ऐसा कुछ ग्लिटर टाइप का पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। हस्बैंड को बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं आके ज़रूर यहाँ पे देखूँगी। तो देखिए इस तरीके की कुछ बेलीज़ वगैरह भी आ रखी हैं, बट मुझे तो नहीं पसंद है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोग लक्ष्मी नगर के आसपास रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में मेहंदी लगाने की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ, बस देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पूरा विजय चौक मेहंदी वालों से ही भरा पड़ा था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक गली में आके ना अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे मेहंदी लगा रहे थे सच में, तो मैं इनके पास आ गई थी। और यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी गुड़िया बैठी थी, इसने इतना अच्छा डिज़ाइन लगाया मेरे हाथ पे, तो इनसे मैंने मेहंदी लगवाई है यहाँ गली में अंदर आके, क्योंकि बाहर जितने भी मेहंदी वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगवाती हूँ अपने एक हाथ पे मेहंदी। अभी हम आ गए हैं मार्केट से, और बस अभी मैंने इनको बोला कि अब मेरे हाथ में लगी है मेहंदी के देखो, तो तुम अब हमें बाहर डिनर करा के लाओ। तो बस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और मैंने इनको बोला कि मुझे अब तुम बाहर डिनर कराओ। तो बस हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने। मेहंदी तब तक सूख जाएगी, अभी लगवा कर आई हूँ, अच्छी लगा दी मेहंदी। वही हर बार की तरह एक हाथ पे लगाई है, एक हाथ पे मैं खुद लगाऊंगी। तो चलो हम लोग अकेले ही हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ घर में, पापा जी और शिवाय गए हुए हैं इस वजह से, तो हम जाते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से फिर, ठीक है। और मेरे बाल देखो कैसे खुल रहे हैं, मैं क्या सही करूँ उनको, अब जैसे हो रहे हैं होने दो, क्योंकि मेहंदी लग गई ना तो फिर दिक्कत होती है, मेहंदी ख़राब हो जाएगी मेरी। तो चलो मेहंदी तो मेरी लग चुकी है, देखो अच्छी अच्छी, यहाँ पीछे भी देखो, ऐसे भी देखो, नाम आपको दिख रहा होगा इधर। तो चलो पहले चलते हैं हम। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज है यहाँ पे सैटरडे। सैटरडे के दिन मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आज है पीटीएम शिवाय के स्कूल में, और मैं जा रही हूँ रेडी होके वहाँ पे। मॉर्निंग के बज चुके थे 10, तो 10:30 बजे तक मुझे पहुँचना था, उससे पहले ही मैं पहुँच गई थी। ये देखिए आज इसकी पीटीएम है, जो भी अभी यहाँ पे बीच में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे ना, उसका ही रिज़ल्ट देखने जा रही थी। तो बस चलिए यहाँ पे इसके स्कूल में पहुँच चुकी थी, और इस बार इसके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं पहले से, तो थोड़ी और तैयारी करनी होगी इसको। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे, देखिए ये है इसके बाहर क्लासरूम का एरिया, जहाँ पे ये लोग अपना प्लेइंग एरिया है, बच्चों का खेलते हैं यहाँ पे ये। तो बस इसकी क्लास के बाहर ही थी मैं जस्ट, उसके बाद यहाँ पे इसकी पीटीएम अटेंड करी मैंने, और इसकी मैम से पूछा भी कि क्लास में कैसी इसकी मतलब है, हरकतें क्या है क्या नहीं। तो मैम ने बोला अच्छा है, पढ़ने में ठीक है, सब चीज़ जल्दी कैच कर लेता है, बट थोड़ा सा ये है कि इस बार थोड़े से कम इसके मार्क्स आए हैं। उसके बाद घर आते आते मैं इसका रिज़ल्ट लिया, उसके बाद मुझे सब्जी वाला मिल गया था, वहाँ से मैंने उससे ली गोभी और मूली। मूली भी आ चुकी है काफ़ी अच्छी, पहले बहुत छोटी छोटी मिट्टी वाली मूली आ रही थी, बट आजकल क्या है अच्छी आ गई हैं। तो मैं यहाँ पे बस सिर्फ आधा किलो मूली लेकर आई हूँ, और दो ले लिए थे गोभी के फूल, उसके साथ मैं आ चुकी हूँ घर पर। और ये देखिए रात को जो मार्केट से मेहंदी लगवा कर आई थी ना, उसका कलर देखो कितना प्यारा आया है ना। तो बस यही है कि कल करवा चौथ है संडे को, तो तब तक और भी डार्क हो जाएगा, और एक हाथ रह गया उसको मैं लगाऊंगी आज रात को। तो बस यहाँ पे अब देखिए मूली और गोभी में से डिसाइड हुआ कि मूली के पराठे बना लो। उसके बाद मैंने मूली को यहाँ पे अच्छे से ग्रेट किया कद्दूकस करके, इसमें मिलाए हींग और मसाले वगैरह बढ़िया से, थोड़ी सी डाली इसमें प्याज। उसके बाद मैं बनाऊँगी हस्बैंड और अपने लिए पराठे, क्योंकि हम दोनों ही हैं घर पर। उसके बाद आज हमको करना है बहुत सारा काम, क्योंकि देखिए करवा चौथ और अहोई अष्टमी आते हैं ना, उससे सिर्फ 10 या 12 दिन रह जाते हैं दीपावली में, तो बस दिवाली आने ही वाली है। और घर का इतना सारा काम, डेली रूटीन तो अलग होता ही है, और दिवाली की जो सफाई होती है ना ये अलग होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को कोना कोना साफ़ करना, तो भाई बस बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है ये। आज हस्बैंड और मैं करने वाले हैं पराठे खाने के बाद बढ़िया से काम, तो हमारे पराठे भी डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब आप ये लोग मत बोलना कि भाई हम पराठे खा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अनहेल्दी पराठे मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल में भर के, मतलब अच्छे ही बनाती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे लोग क्या है पराठों को अवॉइड करने लगे हैं, बट मैं इतने ज़्यादा ऑयली पराठे नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। तो एक एक पराठा बनाया इनके लिए और मेरे लिए, और बनाई साथ में चाय। चाय और पराठा हम लोगों ने इंजॉय किया अच्छे से, बनी भी तब तक उठ चुका था जब तक मैं पीटीएम से आई, और यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया।
उसके बाद क्या है, देखिए बस मैं अपना घर तो जैसे आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरा घर गंदा नहीं हो रखा है। जैसे कि भाई मोस्ट ऑफली दिवाली की सफाई, वाइट वॉश कराना, दीवारें धोना और पेंट करवाना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में काम। तो बस यही है कि थोड़ा बहुत जो काम है वो ही सब करेंगे हम। और पराठे खाने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी अपने पैरों में मेहंदी लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि दिन में लगा दूँगी ना ये वाला डिज़ाइन, तो काम करते करते सूख भी जाएगा और साथ के साथ हमारा काम भी हो जाएगा। तो बस पैरों में लगाया इस तरीके का कुछ डिज़ाइन। ये देखिए ये चेक्स वाला डिज़ाइन ना काफ़ी अच्छा लगता है, उससे क्या है पूरा हाथ और पैर ना एक तो भर जाता है, ऊपर से डिज़ाइन अच्छा लगता है रचने के बाद। अब लगे हैं हस्बैंड और मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने में, तो सबसे पहले बारी आती है पूजा वाले कमरे की। पूजा वाला कमरा जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रि से पहले भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि सेटिंग चेंज करते हैं। जो यहाँ पे ब्लैक वाली अलमीरा लगी हुई थी शिवाय की, उसको कर दिया हमने बाहर शिफ्ट, और यहाँ पे मैं स्पेस खाली चाहती थी क्योंकि यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना दिवाली का मंदिर। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ पे अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर होता है ना, यानी कि जो पहले तो बोलते थे कि जैसे अहोई अष्टमी का जो पूजा का मांडते हैं वहीं पे ही दिवाली की जाती है, तो उसी तरीके से जहाँ अहोई अष्टमी का कैलेंडर लगेगा ना वहीं दिवाली का लगेगा पूजा। इस वजह से मैं ये सारा स्पेस यहाँ से मैंने खाली कर लिया था। और देखिए इतना ज़्यादा कूड़ा मेरे घर में नहीं निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सफाई का तो मुझ में बहुत ज़्यादा कीड़ा है, सच में बिल्कुल भी गंदगी होती है ना मुझे बर्दाश्त नहीं है। और थोड़ा सा अलमारी वगैरह मैंने आगे करवाई हस्बैंड से कि कहीं इसके पीछे कोई सीलन तो नहीं है या कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था और अच्छे से साफ़ हो ही रखा है हमारा ये रूम। हस्बैंड को चढ़ा दिया था मैंने बेड पर कि चलो आज तुम थोड़े से जाले वाले निकालो यहाँ पर, क्योंकि छुट्टी है तो घर में थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। और ये देखिए अलमारी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुकी है और हमने यहाँ पे पूजा वाले कमरे को अच्छे से क्लीन कर दिया था, बस ये कपड़े वपड़े धोने रह जाएंगे। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं जो मेरे सिलने के हैं और ये यहाँ पे लगाऊंगी दिवाली का मंदिर। ये सारे दिए वगैरह हैं, करवा है, अहोई अष्टमी का जो होता है वो है। इधर हैं पूजा के और मंदिर के पर्दे, माता रानी का लहंगा वगैरह जो निकला है वो, इन सबको भी मैं वॉश करूँगी नेक्स्ट डे। तो बस देखिए इसी तरीके से हम दोनों ने आज मिल के किया पूजा वाला कमरा पूरा क्लीन। सारी जो वॉल्स वगैरह हैं, दीवारें वगैरह हैं, सब अच्छे से क्लीन कर ली थी। पंखा भी इन्होंने साफ़ कर दिया था अच्छे से गीले कपड़े से, सब जगह फिनाइल का स्प्रे कर दिया। उसके बाद क्या था, बस काम करते करते बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को। रात को मैंने बनाए थे सिंपल से पुलाव और बस पुलाव खाए हम लोगों ने। फिर कर रही हूँ थोड़ी सी यहाँ पर अपनी स्किन केयर। क्या है देखिए कल करवा चौथ है ना, तो बस यही है कि मैं कुछ महंगे महंगे पार्लरों में जाके तो बैठना मुझे नहीं पसंद, और मेरा बेबी भी अभी छोटा है बनी, तो फिर उस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि इतने इतने घंटे पार्लरों में वेट करना और ब्लीच करवाना, तो बस यही होता है कि मैं तो नहीं जा पाई हूँ। आईब्रोज़ भी इस बार मैंने नहीं बनवाई क्योंकि मुझे नीड नहीं लग रही थी, तो बस घर में सिंपल सा ही मैं ब्लीच यहाँ पर अपने फेस पर कर रही हूँ। और यहाँ पर ब्लीच ले आई थी मैं, उसको मैंने किया, बस इसी से चमक जाएंगे हम तो करवा चौथ के लिए। बाकी फेशियल वगैरह मैं अभी नहीं करवाती हूँ, पहले भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। फेशियल ज़्यादा करवाने से क्या है हमारे स्किन की ना, मतलब फेस की स्किन लूज़ ही हो जाती है और कुछ नहीं होता। मुंह चमकाने से अच्छा है भाई अपने स्किन की होम रेमेडीज़ अच्छे से कर लो। तो जितना हो सकता है घर पे बेसन दही वगैरह कॉफ़ी ये सभी लगाती हूँ, फेशियल नहीं करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे लग चुकी थी मेरी ब्लीच, इसको रखूँगी 15-20 मिनट के लिए, वॉश करूँगी, उसके बाद लगाने बैठ गई थी मेहंदी। क्योंकि एक हाथ में मेहंदी लगवाई थी, एक हाथ रह गया था मेरा, तो बस उसी को पूरा करने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है करवा चौथ, 4 बजे उठ के मुझे सरगी भी करनी है फ्रेंड्स। तो यही था आज आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज आप लोगों को ये व्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ नए कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।